हेलो एवरीवन, मैं आ चुकी हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। तो आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं आज जर्नी दिखाने वाली हूँ। ये है आसनसोल स्टेशन वेस्ट बंगाल। तो मैं अभी स्टेशन पहुंची हूँ और मैं पता है कहाँ जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ झारखंड यानी देवघर जा रही हूँ। देवघर के लिए यहाँ से लोकल ट्रेन पकड़ेंगे, मैं और मम्मी है। तो देख सकते हो मम्मी वेट कर रही है कब ट्रेन आएगी और मैं स्टेशन के मज़े ले रही हूँ, मतलब टाइम पास कर रही हूँ। और ये देख सकते हो भीड़ भी थी काफ़ी और बैठ चुके फाइनली हम ट्रेन पर। और ट्रेन में बैठते ही मैं देख रही हूँ कि ट्रेन अब कब खुलेगी, मम्मी भी वेट कर रही है जल्दी से खुले। और ये लोकल ट्रेन पे हम जा रहे हैं, लोकल ट्रेन की भी जर्नी बहुत ही अलग होती है। तो ये हमारा 2 से 3 घंटे का है जर्नी आसनसोल से जसीडीह। तो चलिए इस जर्नी में बने रहिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। मैं ट्रेन के कुछ कुछ स्पेशल फूड और हमारी जर्नी कैसी होती है सब कुछ दिखाने वाली हूँ, तो बने रहना। तो मैं वेट कर रही हूँ, अभी भी ट्रेन खुलने का नाम ही नहीं ले रहा है और मम्मी भी वेट कर रही है कि मैं करूँ क्या। और देखते देखते झालमुड़ी वाला आ गया। हाय हाय, बंगाल की झालमुड़ी, भाई बंगाल का झालमुड़ी बहुत फेमस है। देख सकते हो मैं बनवा रही हूँ अपने लिए झालमुड़ी और मैं और मम्मी खाने वाले हैं अभी यही झालमुड़ी जो भैया बना रहे हैं। इसमें देख सकते हो मिर्च डाला है, मसाला डाला है इन्होंने और ये जा रहे हैं तेल मिक्स करके, ये सरसों तेल ज़रूर मिक्स करते हैं। तो जल्दी से बनवाते हैं और मुझसे वेट नहीं हो रहा है, देख सकते हो कितना यम्मी दिख रहा है। और मुझे पता है कहीं भी जाती हूँ ना तो बंगाल का जो झालमुड़ी का टेस्ट है ना भाई, वो कहीं नहीं है। इतना टेस्टी झालमुड़ी बनाते हैं ना। और भैया कह रहे हैं कि वीडियो बना रहे हो, मैंने कहा हाँ, तो भैया कह रहे हैं ठीक है, भैया भी खुश हो गए। तो देख सकते हो जब भी आप बंगाल जाओ ना, आसनसोल, कोलकाता, कहीं भी, तो झालमुड़ी ज़रूर खाना क्योंकि वहाँ का झालमुड़ी बहुत फेमस है। तो ये बन चुकी है मेरी झालमुड़ी, यम्मी, जल्दी से वेट नहीं हो रहा है। बस इनके पास नारियल नहीं था, जो ऊपर से नारियल सर्व करते हैं वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो ये मम्मी ने ले लिया है अपना, अब मैं अपना बनवाने वाली हूँ। मैं चना वगैरह मना किया भैया को, मैं बोल रही हूँ मिक्सचर वगैरह और आलू ज़्यादा डाल के बनाना, मुझे अच्छा लगता है चटपटा सा, बट चना नहीं पसंद है। तो देख सकते हो ये मसाले वसाले डाल रहे हैं भैया और देखते हैं कैसा बनता है। और जल्दी से वेट कर रही हूँ मैं अपनी झालमुड़ी की। ये देख सकते हो सरसों तेल डाला है इन्होंने, क्या स्टाइल है इनका, रजनीकांत। तो ये फाइनली मिक्स हो रहा है, मिक्स। सो आई एम वेटिंग फॉर माई झालमुड़ी, जल्दी से बना दो भैया, भूख लग रही है। इतनी भूख लग रही थी ना मुझे और मम्मी को, देखो मम्मी तो इन्जॉय कर रही है झालमुड़ी। मैं पूछ भी रही थी मम्मी से कैसा है, तो मम्मी कह रही अच्छा है। तो आप आ चुका है फाइनली मेरे पास झालमुड़ी, यही। और भैया को दे चुके हैं पैसे और मैं और मम्मी अब इन्जॉय करने वाले हैं झालमुड़ी। अब बारी है झालमुड़ी खाने की, तो मैं टेस्ट करने जा रही हूँ झालमुड़ी कैसा है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा, मतलब मज़ा आ गया, चटपटा सा था, आलू भी था। तो मैं अभी भी वेट कर रही हूँ, अभी पता है अभी तक ट्रेन खुली ही नहीं है, ये लोकल ट्रेन ना ऐसे ही होते हैं। तो मैंने कहा बस मम्मी अब मैं खाना इन्जॉय करूँगी। फिर मुझे लगा कि जब हमने झालमुड़ी बनाया ही है तो मैं स्टेशन से नीचे उतर के, क्योंकि अभी तक ट्रेन खुली नहीं थी, ये देख सकते हो समोसा लिया है मैंने 2, और मैंने सोचा ना समोसा को ना झालमुड़ी में मिक्स करके खाऊंगी क्योंकि ट्रेन तो खुलने का नाम नहीं ले रही है तो हम टाइम पास कैसे करें। तो मैं ले आई समोसे और देख सकते हो हमने सोचा है कि ना समोसे और मुड़ी को मिक्स करके खाएंगे, तो हमने खा लिया फाइनली। और ट्रेन खुल गई गाइस, ट्रेन खुल गई जिसकी बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे हम। अब मम्मी लेट चुकी है और मैं बैठ चुकी हूँ और अब मैं इन्जॉय करने वाली हूँ विंडो के बाहर, और ट्रेन में क्या ही कर सकती हूँ। तो देख सकते हो अभी फिर ट्रेन रुक गई है लोकल ट्रेन का, तो यही हाल है, क्या बताऊँ मैं। और ये बगल वाले भैया जो थे वो भी कह रहे हैं, वो भी बातें करने लगे, आप कहाँ से हो, ये वो। तो हमारी जर्नी तो अच्छी जा रही थी बट ट्रेन जब रुकती है ना तो अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है जल्दी से खुले। तो ये जो लोकल ट्रेन होते हैं ना, जैसे हम जा रहे हैं आसनसोल से देवघर, तो लोकल ट्रेन का यही हाल होता है। पर खाली मिल गई थी हमें सीट, तो हम फाइनली आराम से जा रहे हैं। ट्रेन ने ना दिमाग ख़राब करके रखा है, मैं दिख नहीं रही हूँ अंधेरे में। यस, अंधेरा कायम है। फिर जाके फाइनली ट्रेन खुली है अगेन और बहुत ही लेट है ट्रेन। और देख सकते हो कौन सा स्टेशन पहुँचने वाली है ये, शायद देखते हैं कौन सा स्टेशन पहुँच रहा है, लेट्स सी। और देख सकते हो पूरा रात हो गया भाई और ट्रेन इतनी लेट है ना कि क्या ही बताऊँ, हालत ख़राब हो गई भाई। 2 घंटे की जर्नी में आप 5 घंटे में पहुँचाओगे तो थोड़ा तो होता ही है ना, क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं होता है कि इतना लेट भी हो सकती है। तो लोकल ट्रेन का एक्सपीरियंस तो ऐसा ही होता है, पर मैंने एक्सपीरियंस किया। और देख सकते हो अब ये रुकने वाली है, शायद नहीं रुकी। चाय आ गया है, ये चाय ना बहुत अच्छा था, ये चाय भैया ना घटिया चाय करके बेच रहे थे और इतना अच्छा था ना स्वाद इसका, इतना टेस्टी था ना कि हमने सोचा कि इसको दोबारा भी पियेंगे। देख सकते हो ये सिर्फ 10 रुपए की है। उसके बाद फिर मम्मी को पूछा मैंने, मम्मी कैसा लग रहा है चाय।
तो देख सकते हैं मम्मी भी चाय इंजॉय कर रही है और मम्मी कह रही है फ्लैश लाइट क्यों मार रही हूँ मुँह पे। तो ये देख सकते हैं हम दोनों अभी चाय इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि क्या ही करें, ट्रेन तो बहुत लेट है। तो बट चाय पी के जो रिलीफ मिले ना, इतना टेस्टी चाय तो मैंने कभी पिया भी नहीं ट्रेन में, फर्स्ट टाइम इतना टेस्टी चाय पी रही हूँ। जो ख़राब या घटिया चाय करके बेचते हैं उनका भाई चाय बहुत अच्छा होता है। देख सकते हो ट्रेन में कुछ कुछ चीज़ें भी आ रहा है एंटरटेनमेंट के लिए। देख सकते हो ये लाइट वाइट पता नहीं क्या क्या था इनके पास। और हम फिर वेट कर रहे हैं, भैया कह लेना, मैंने कहा नहीं भैया मैं बच्ची तो रही नहीं जो मैं इन चीज़ों से खेलूँगी। और देख सकते हो बगल में एक बच्ची भी बैठी है और फैमिली है पूरा, तो वही वेट कर रहे हैं फाइनली। और मैं और मम्मी खड़े हो गए क्योंकि हमारा स्टेशन आने वाला है। वी आर सो हैप्पी, फाइनली हम पहुंचने वाले हैं। मैं मम्मी को कह रही मम्मी कैसा लग रहा है, तो मम्मी कह रही भाई अच्छा हुआ पहुंच गया। मैं इतना लगेज भारी था ना, ये भैया ने लगेज उतार के दिया क्योंकि मैं उठा तो ले रही थी लेकिन बहुत हाथ में पेन हो रहा था। तो भैया को थैंक यू। और फिर हम निकल पड़े हैं, पहुँच गए हम देवघर झारखंड। ये देवघर झारखंड का स्टेशन है और ये रही मम्मी। और हमारी हालत भी ख़राब हो रही थी क्योंकि हमारे पास लगेज बहुत ज़्यादा था और सिर्फ हम दो ही थे। अब मुझे तलाश है ऑटो की, तो ऑटो वाले भैया तो मिल गए थे। अब देख रहे हैं ऑटो वाले हम यहीं पर आएंगे, कहा कि आप रुको। तो फाइनली हमें ऑटो भी मिल चुके हैं, हम पहुँच चुके हैं देवघर झारखंड। फाइनली बाबा नगरी पहुँच गए हैं और ये देख सकते हो हमारी ऑटो भी आ गई है। अब जल्दी से सामान भी रखेंगे क्योंकि सामान बहुत भारी है हमारा। तो फाइनली रात को ऑटो मिल गई है और हम बैठने वाले हैं और उससे पहले सामान एडजस्ट कर लेते हैं। और मैं बहुत हैप्पी और एक्साइटेड भी हूँ कि फाइनली ट्रेन से उतरी, रिलैक्स और रिलीफ मिला मुझे। तो भैया कह रहे लाओ मैं रख देता हूँ। तो फाइनली ऑटो पे बैठने वाले हैं और जल्दी से निकलने वाले हैं घर की ओर। सो अब जल्दी से चलते हैं गाइस घर की ओर। और मैं बहुत 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 ज़्यादा थक गई भाई, इतनी हालत ख़राब हो गई ना। और ये देख सकते हो रात का व्यू है, अभी हम स्टेशन से जस्ट निकले ही है। और कुछ कुछ व्यू दिखाती हूँ आपको, स्टेशन कैसा है क्या है स्टेशन के बाहर। तो भीड़ काफ़ी थी वैसे, चाय वाय देख सकते हो गुप्ता चाय दुकान। चाय दोबारा पीने का मन कर रहा था बट नहीं, अब घर पहुँचना है, बहुत लेट हो चुका है क्योंकि, और सिर्फ हम दोनों ही है। तो आई होप आज का ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगे। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।